हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नाहटा। पिछले हफ्ते की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, चाहे वो 21 तोपों की सलामी हो या जिगरिया, तमंचे या फिर स्पार्क। ऑल द फिल्म्स बॉम्ब्ड एंड बॉम्ब्ड मिजरेबली एट द बॉक्स ऑफिस। सारी फिल्मों के कलेक्शंस बहुत बहुत ही कमजोर रहे। इनफैक्ट ईच फिल्म कलेक्टेड इन फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज ओनली। और क्योंकि नई फिल्में नहीं चली, इसलिए जो भी बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट मिला पिछले हफ्ते की रिलीजेस को, यानी बैंग बैंग एंड हैदर को। तो बैंग बैंग का फर्स्ट वीक खत्म हुआ था 132 करोड़ पर, एंड बैंग बैंग एंड हैदर बोथ हैड एन 8-day फर्स्ट वीक। तो पहले 8 दिनों में बैंग बैंग का नेट ऑल इंडिया टोटल था 132 करोड़। अब सेकेंड वीकेंड की शुरुआत हुई, कमजोर थी शुरुआत, इट वॉज नॉट वेरी ग्रेट, बट ये अक्सर होता है जब नई फिल्में रिलीज होती है, चाहे वो चले या ना चले, बट जो चलती हुई फिल्में हैं उनका पहला दिन यानी सेकंड वीकेंड का पहला दिन कमजोर हो जाता है। और बैंग बैंग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो बैंग बैंग के सेकंड वीकेंड का पहला दिन था 4.5 करोड़ का। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए और बढ़कर हो गए 6 करोड़, और संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, एंड द संडे नेट ऑल इंडिया टोटल वाज 7.5 करोड़। यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मिलाकर 18 करोड़ रुपए इस फिल्म ने इकट्ठा किए, गिविंग द सेकंड वीकेंड टोटल ऑफ 18 करोड़। अब 132 करोड़ को आप अगर 18 करोड़ और ऐड करें तो आपको मिलता है 150 करोड़। यानी इन अ मैटर ऑफ 11 डेज बैंग बैंग हैज टच्ड द 150 करोड़ मार्क। ऑफ कोर्स एन एनवियबल फिगर, बट जितना सोचा था उतना तो नहीं है। लोगों ने सोचा था कि 150 करोड़ तो शायद ये पहले हफ्ते में ही कर लेगी, एंड लोगों ने सोचा था सेकेंड वीकेंड के खत्म होते होते दिस फिल्म विल ऑलमोस्ट टच द 175 करोड़ मार्क। सो इट हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन बाय अबाउट 25 करोड़, बट येट 150 करोड़ इज अ रीजनेबली गुड फिगर। और अब हैदर की तरफ आते हैं। हैदर का पहला वीक हुआ था 37 करोड़ का, इट हैड एंडेड एट 37 करोड़। और सेकेंड वीकेंड जैसा बैंग बैंग का केस था, सेकेंड वीकेंड की शुरुआत थोड़ी कम हुई लेकिन उसके बाद कलेक्शंस बढ़ गए। तो सेकेंड वीकेंड का पहला दिन हैदर का था 1.5 करोड़ का। सेकेंड डे सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, दे ऑलमोस्ट डबल्ड, एंड द टोटल ऑन सैटरडे वाज इन द रीजन ऑफ 3 करोड़। थर्ड डे संडे को कलेक्शंस बढ़े लेकिन उतने नहीं बढ़े जितने कि संडे को बढ़ने चाहिए थे, एंड द थर्ड डे वाज ऑफ 3.5 करोड़। यानी 1.5 करोड़, 3 करोड़ और 3.5 करोड़, गिविंग अ सेकेंड वीकेंड टोटल ऑफ 8 करोड़। और क्योंकि फर्स्ट वीक खत्म हुआ था 37 करोड़ पर, सेकेंड वीकेंड के एंड में ये फिल्म का टोटल हो चुका है 45 करोड़। दिस फिल्म हैज नेटेड अ टोटल ऑफ 45 करोड़ ऑफ रुपीस। तो हैदर के केस में ये डेफिनेटली कहा जा सकता है दैट दिस फिल्म विल नॉट मेक प्रॉफिट्स। आपको याद होगा हमने बताया था कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज दोनों ने इस फिल्म में काम करने के लिए पैसा नहीं लिया था, और दे हैड टेकन अ स्टेक इन द फिल्म। कहने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट्स होते हैं इस फिल्म में तो उन्हें प्रॉफिट्स का एक हिस्सा, दोनों को एक एक हिस्सा दिया जाएगा। बट इट डजंट सीम लाइकली दैट दिस फिल्म विल मेक too much profits. It just might be able to sail safe, yani it may scrape through, aur wo bhi mushkil hai. Maybe it is not able to even recover its entire cost. To isliye Shahid Kapoor and Vishal Bhardwaj in all probability will not be paid anything for having been a part of this film. To khair, ye to hui baatein of the weekend gone by. Aaiye ab milte hain hamare aaj ke guest se. दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने गायकी शुरू की एट द एज ऑफ जस्ट अबाउट 16 और 17, और 16 साल की जर्नी में उन्होंने तकरीबन 100 गाने गा लिए हैं एंड बहुत सारे हिट्स और सुपर हिट्स भी है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम शबाब साबरी। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सो मच। साबरी ब्रदर्स की फैमिली से आप, इंडियन साबरी ब्रदर्स की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है गाने का शौक, गायकी का शौक बचपन से ही रहा होगा। जी हाँ, अपने वालिद और अंकल को प्रैक्टिस करते हुए, रियाज करते हुए देखा, तो इकबाल साहब को और इकबाल साहब और अफजल साहब, अफजल साहब जी, तो ये खुशनसीबी रही कि ऐसे घर के अंदर एक बचपन बीता और लोगों को सुना और डैडी अंकल को सुना, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा बहुत। तो पढ़ाई कैसे चलती थी? पढ़ाई के दिनों में भी सिंगिंग की तरफ झुकाव था, इसलिए पढ़ना कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, या क्या था माहौल, क्या था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही रहा है कि डैडी और अंकल को प्रैक्टिस करते स्कूल जा रहे हैं तो फिर भी गाने में ध्यान, प्रैक्टिस में क्या हो रहा होगा वहाँ पे, ये क्या। तो पढ़ाई लिखाई भी एक लिमिटेड तक रही, ज़्यादातर अपने जो एक सिलसिला आ रहा चलता हो उस पर ध्यान रखा। तो किस एज से आप सिंगिंग सीखने लग गए? मैं 15-16 साल की उम्र थी मेरी, तो मैंने आगाज़ किया मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद रशीद खां से,
डैडी ने बोला कि भैया आप शागिर्द बनिए और वहाँ से इब्तदा की। फिर आइडियल जो रहा है वो डैडी और अंकल उस्ताद अफजल साबरी साहब, जो भी आज गा रहा हूँ उनकी बदौलत, इकबाल साबरी साहब वालिद मोहतरम, सब सदका तो फैल उनका ही है। तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल एंड डिसिप्लिन्ड माहौल रहा होगा जब आप सीख रहे थे, या ऐसा नहीं था? बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट माहौल, यानी कि हम लोग जब ऐसे कुछ गुनगुनाते थे तो अंकल इतने तानसेन तो हैं, कानसेन भी हैं अफजल साहब भी, तो उनको रिकॉर्डेड एक चैंस लता मंगेशकर का एक खिताब दिया गया है। अच्छा। इतना मैं अपनी लाइफ में हर आदमी एक आइडियल होता है, तो मैं अपने वालिद मोहतरम अपने अंकल अफजल साहब साहब का एक आइडियल हूँ, तो मुझे उनके उनके आवाज़ के अलावा कानों में कोई जमता भी नहीं। क्या बात है। तो ये सब उनका है, तो वो जब मैं कभी बेसुरा हो गया गाते हुए और ये हो गया तो वो एकदम चिल्लाते थे, तो वो एक कानों में और देखा हुआ वो एक एक्सपीरियंस है, तो इसलिए बहुत शार्प कान है, आँखें बहुत तेज़ हैं, तो इसलिए कहा गया है कि कान सैन अफजल साबरी। तो ये साबरी सरनेम ने आपको कितना हेल्प किया आपके करियर में? ये तो मेरी रूह में समाया है और इसी की बदौलत आज मैं आप तक भी बैठा हूँ सब, तो ये उनका सदका है, तोहफ़ा है जिस सिलसिले से हम हैं साबरी पाक से, और मेरे वालिद मोहतरम अंकल हजूर, तो उनके सिलसिले से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सब सदका तोहफ़ा उनका ही है। सबसे पहला बॉलीवुड का ब्रेक आपको कैसे मिला, कब मिला? सबसे पहले सफर मेरा रहा फिल्म प्यार के तो डरना क्या का सॉन्ग तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त, जिसको कंपोज किया था साजिद वाजी साहब ने। करेक्ट। और शायरी जो लिरिक्स थे वो वालिद मोहतरम इकबाल साबरी, और स्क्रीन पे भी उन लोगों ने गाया था, तो एक पार्ट उसका चंग बना गया था क्लासिकल का, जो एक अलग भाषा थी तराना टाइप, जिसे कंपोज किया था मरहूम उस्ताद शराफत खान साहब ने। तो वो आपने गाया? वो मैंने गाया था उस 17 साल की एज में। अच्छा। अब वो एक बहुत अलग पार्ट था जो खान साहब ने बनाया गया था, साजिद भाई साहब ने उसे कंपोज किया, तो बहुत अलग एक वो पार्ट रहा। और तो आपकी डैडी और चाचा जी के साथ काम करने में पहला जो गाना था, डर नहीं लगा? बहुत डर लगा। उस रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले बात तो खुशनसीब ये है कि 16-17 साल की एज, इतना बड़ा गाना और ऐसे माइक पे गाना, यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार ये गाना ऐसा मुझे माइक पे खड़ा गया, और इतना क्लासिकल पार्ट था वो कि आज मैं वो गाना सुनता हूँ तो लोग पूरा गाना गाते हैं, पूरा सॉन्ग गाते हैं, और जहाँ वो पार्ट आता है वो मिस कर देते हैं। उसका ऊपर वाला इतना मुश्किल था बहुत, तो काफ़ी मुझे डब करने में काफ़ी वक्त लगा, मगर पहले डैडी अंकल साजिद वाजी और शराफत खान साहब सब साथ में, उनको देख के एक डर महसूस हुआ कि क्या होगा, मगर फिर वो ऊपर वाले का नाम लिया तो कैसे भी हो गया। तो उस गाने के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये एक नई आवाज़ है, एंड आपको ऑफर्स आते गए या टाइम लगा? टाइम लगता गया, एक्चुअली क्या कि फिर मैं पापा के साथ जुड़ गया साबरी ब्रदर्स के साथ, तो फिल्म राजकुमार गुन्हा ये वो सब फिल्मों के अंदर एडिशनल डैडी के साथ गाने लगा थोड़ा थोड़ा क्लासिकल, क्योंकि एज नहीं रही ना इतना, एक ये मैार था कि भाई आज हम लोगों को ये करना है। करेक्ट। तो मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश उस समय तो थी नहीं बिल्कुल। हाँ। उसके बाद फिर फिल्म थी पेंच 3 मधुर भंडारकर, जो शमीर टंडन जी ने कंपोज किया गाना वो गाया, फिर उसके बाद साजिद वाजी साहब ने मुझसे शादी करोगी, तो ये एक सिलसिला दर सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद 2-4 साल बीते कि अब लगा कि यार कुछ अपना भी कुछ एक मकाम बनना चाहिए, तो फिर ऊपर वाले ने एक ऐसा मकाम दिया कि फिल्म दबंग, जिसको एक आज पहचान है, नाम दबंग से ही हमका पीनी है जी। थैंक यू। वो हमका पीनी है, वो अल्लाह ने इतना नवाजा उससे आज थोड़ा बहुत जो भी है तो वो गाना हो जाए। प्रेम गली है साकरी, गए दरोगा जी भूल, लत डारी रे लत डारी है सी बावरी, रहे अधर में झूल, ए गौरी आंखों के पैमाने पैमाने गौरी आंखों के, अरे दो दो जिंदा है मैं खाने गौरी आंखों के,
ना कर साकी अणिया वणिया पीनी है पीनी पीनी है हाय देख लो जालिम दतियां जीनी जीनी है जीनी जीनी है हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी है हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी है वंडरफुल तो ये एकदम अंदर से आवाज निकलती ऐसे लगता है हाँ यही तो है वो जो मैं बोलता हूँ कि हमेशा जैसे आपने ये मुझे हुक्म दिया और ये कहा कि भाई अंदर से आवाज़ निकलती है ये बुजुर्गों का सदका एक तोहफ़ा है तो अंकल को वालिद मोहतरम को सुना तो क्या परफॉर्म जो एटीट्यूड जो रहा वो डैडी से बेटर मैंने आप अपनी लाइफ में किसी का नहीं सुना और जो कलाकारी जो हरकतें ये वो अंकल का तो उनको दोनों को कंबाइन करते हैं का मिश्रण है आप में सबसे पहला जब आपका गाना सुना प्यार किया तो डरना क्या उसमें जब आपका गाना सुना आपके डैडी और अंकल का रिएक्शन क्या था हाँ मैं रिएक्शन ये बताता हूँ कि अभी भी आप वीडियो देखिए वो कभी क्लिप देखेंगे तो जब मैं जैसे करता हूँ वो छोटी सी एज का एक बैठे दो शेर और एक पिल्ला बीच में से बैठा है और ऐसा देखते मैं कहता हूँ तुम ता ना 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 ऐसे स्क्रीन पर गया तो डैडी गाते गाते ये मुस्कुराहट लेफ्ट साइड देखना तो मेरे लिए वो बहुत था उसके बाद सिलसिला आगे कैसे बढ़ता रहा मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि स्ट्रगल करनी पड़ी इस इंडस्ट्री में या इट वाज वेरी स्मूथ गोइंग फॉर यू स्ट्रगल तो है ही स्ट्रगल के बिना सब कुछ क्यों है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है ओके और क्योंकि आपकी आवाज आपको लगता है आपकी आवाज टिपिकल है या इट्स नॉट टिपिकल ये तो आप ही फैसला करेंगे क्योंकि आप लोग सुनते हैं तो लगता कह सके अभी जो मिलता है वो तारीफ करता है कि वाकई कुछ अलग जॉनर है वो अलग अलग है या तो मैं इस काबिल नहीं हुआ हूँ या इस लायक मुझे गाने नहीं मिल रहे हैं नहीं नहीं काबिल तो बहुत है आप इतने सारे हिट सॉन्ग्स हैं आपके नाम के अगेंस्ट अभी कुछ नहीं बहुत कुछ करना है एग्जैक्टली मगर ये स्ट्रगल मतलब आप कह रहे थे कि स्ट्रगल तो है ही क्यों ऐसा क्यों कह रहे थे स्ट्रगल तो जारी है सर आज यहाँ बैठा हूँ ये भी स्ट्रगल की वजह से आया हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ फिर उसके बाद फिल्म रही बोल बच्चन जो हिमेश जी ने एक बहुत खूबसूरत गीत अपने साथ कंबाइंड करके मुझे यूज़ किया बहुत अच्छा गाना आप लोगों ने सुना बिल्कुल कि चलाओ ना नैनों से बांध बहुत चला वो गाना बहुत गाना चला और थैंक्स फॉर हिमेश जी के उस गाने का एक हिस्सा रहा मैं तो ये गाना कैसे मिला मतलब आप म्यूजिक डायरेक्टर्स को कॉन्टैक्ट करते रहे या फिल्म मेकर्स को कॉन्टैक्ट करते रहे या खुद ब खुद काम चल के आपके पास आता था खुद ब खुद ही एक रहा है एक्सपीरियंस में तो हिमेश जी का कॉल आया कि नहीं शबाब ऐसा ऐसा है कि मैं बहुत अपने आप को समझा मैं खुश नसीब मैंने कहा यार ऐसा दिन आया है तो मैं स्टूडियो गया भाई के यहाँ जैसे पहुँचा तो गाना ऑलमोस्ट हो चुका अच्छा चलाओ ना नैनों से बान रे जान ले लो ना जान रे सर भाई तो कंप्लीट है बोला नहीं नहीं अभी इसमें शामिल ना हो हम रभूतों में नाम रे सुपर्ब तो अब जब माइक के सामने खड़ा रहना पड़ता है डर जैसी चीज तो बिल्कुल नहीं होगी कि अभी भी डर लगता है देखिए कहने को तो मैं बोल दूँ कि बिल्कुल नहीं लगता डर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो स्टेज वो है कि वहाँ बड़े बड़े लोग कांप उठते हैं हम लोग जब किसी गाने के लिए जाते हैं तो यही मन में यही रहता है हमेशा ऊपर वाले इज्जत रखना पता नहीं कौन से चीज़ से पाला पड़ने वाला है किस टाइप का सॉन्ग कुछ मालूम नहीं ना कौन अब जैसे मैंने आपको तेरी जवानी का सुनाया है आज के वक्त में समझ जाए तो एक टेंशन हो जाएगा क्या यार ये क्या तो ये तो डरते रहने रहता हूँ पता नहीं क्या होने वाला है तो ऊपर वाला इज्जत रखे भाई ये समझ के डेली जाता हूँ जब भी रिकॉर्ड के लिए जाता हूँ इतना कंपटीशन है गायकी की दुनिया में तो काम मांगने के लिए आगे जाना पड़ता है या सिंगर्स लोग काम मांगते नहीं हैं देखिए मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो यही तो वक्त है कुदरत की आजमाइश का अपने आप को इतना रखिए आज हम भी उसमें हैं काफ़ी लोग भी हैं जो भी जॉनर का सॉन्ग आएगा आपके पास खुद ब खुद आएगा आप इस लायक हैं तो जैसे अभी ऑलमोस्ट जितनी फिल्मों में गाया है तो खुद ब खुद कॉल आए हैं और एक सफ़र रहा है तो अल्लाह का करम है मेरे ख्याल से आपकी गायकी ही काम अट्रैक्ट करती है यही खुशनसीबी है मेरे लिए बहुत क्योंकि वालिद मोहतरम अंकल को सुना तो सुनते सुनते एक प्रैक्टिस रियाज ये हुआ तो आज यही है कि एक रियाज है प्रैक्टिस है
कि इस लायक बने कि वो हम लोगों को खुद कॉल करें कि हम लोग भाई हम आपके लिए गाना किया है, आप आइए. जैसे एग्जांपल के तौर पर अब भी मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतना बड़ा बैनर यशराज दावत इश्क तो जादू टोने वाली है. बहुत ही अच्छा गाना है. इनफैक्ट वो बहुत अच्छा गाना है. इस फिल्म का बेस्ट गाना मुझे तो वही लगा. थैंक यू सो मच. तो उसके लिए आपको यशराज से कॉल आया? जी नहीं, मेरे को साजिद भाई साहब का कॉल आया. ओके. साजिद भाई जी ने मुझे बुलाया. मेरी खुशनसीबी, इतने अच्छे कंपोजर, इतने टैलेंटेड. उनके सामने आज भी जब मैं गाता हूँ गाना तो मुझे वाजिद सर के सामने गाना गाया नहीं जाता. तो बहुत एक बहुत नर्वस. तो वाजिद सर ने जब कॉल किया तो पहले तो मैं एकदम घबराया. मैं कहा यार इतना टाइप के बाद कॉल आया और पता नहीं क्या. अब गाना सुना जाके, तो गाना सुना तो गाना अच्छा. फिर थैंक्स फॉर कौसम जी, इतना अच्छा गाना लिखा. एक अलग लैंग्वेज, जादू टोने वालियाँ, बुन कर लट में ले गए, मतलब बुन कर लट में ले गए, एक अलग लिरिक्स सुनने को मिला. और हबीब सर थैंक्स फॉर, यश राजपुरी, आदित्य चोपड़ा जी, सब पूरी टीम का थैंक्स बोलना चाहता हूँ. ये मेरी खुशनसीबी रही कि इतना खूबसूरत गीत साजिद भाई साहब ने मेरी झोली में डाला. तो ये गाना तो गाकर सुनाना ही पड़ेगा. लेटेस्ट है आपका. जी हाँ, हो जादू टोने वालियां वे जादू टोने वालियां, हे डोरे डोरे डालियां वे डोरे डोरे डालियां, हो बुन कर लट मेले गई रे लुट के, ओ कुड़ी उड़ी उड़ी गई चिड़ी शेर मर के, ओ तक तेरा गम छवालिया, जय हो जिगरा वालिया, जादू टोने वालिया, वारी वीरा वालिया, जादू टोने वालिया, जादू टोने वालिया वे जादू टोने वालिया. सुपर, वेरी नाइस, वेरी. आपकी आवाज इतनी बुलंद रखने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती है या कुछ चीज़ों से परहेज करना पड़ता है? परहेज तो कुछ नहीं, और स्पेशल चीज़ ये है कि जो मैं बोलता आ रहा हूँ कट टू कट, जो अपने बड़ों को देखा है बस वही क्या ये रियाज रोज रियाज. जी हाँ रियाज. अब डैडी का जो स्टाइल हो तक तेरा गम छवालिया, अंकल जय हो जिगरा वालिया, तो दोनों का जादू टोने वाले. बहुत सारे सिंगर्स हैं इंडिया में जिन्हें नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए. दे हैव गुड वॉइसेस, उनको दिलचस्पी भी है, इंटरेस्ट, लगाव, पैशन, जो भी कहें, सब कुछ है, मगर उनको दिशा नहीं पता कैसे नाम कमाया जाए, कैसे किस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए, कैसे पहुंचा जाए, किसके दरवाजे खटखटाए जाए, यू नो, ये सब बातें नहीं मालूम है. तो क्या उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सर एक चीज़ बोलूँगा, आज तो बहुत पॉसिबल हो चुका है. उनके लिए आपको दर मिलता है, दरवाजा है, गेट है कि यहाँ पे जाना है हम लोगों को. पहले के लोग इतने क्लासिकल, इतने बड़े बड़े सिंगर हुए हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त है. मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कुछ तबलिस्ट ऐसे हुए हैं हमारे शहर के कि उन्होंने पत्थर के ऊपर रियाज किया, पत्थर में खड्डे हो गए, फिंगर्स के प्रिंट्स आ गए. उन्होंने तबला जब किया प्लेइंग तो पत्थर के ऊपर निशान आ चुके थे तबले के, तो उनको कुछ नहीं. फिर काफी इंडस्ट्री में बजाया भी है, ये भी किया, वो भी किया, और सब यानी कि आज तो ऐसा कि ये नहीं, ये टीवी पे आ रहा है, चैनल पे कुछ शो आ रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आज तो आपको स्ट्रगल करने का भी इतना वो नहीं है. गेट आपके सामने खड़े हैं, दरवाजे घुस जाइए, अपना टैलेंट दिखाइए और काम पाइए. जब हम लोग भी, जब मैं भी था तो हम लोगों को भी इतना वो नहीं था. एक प्रैक्टिस, एक इतना बड़ा नाम, लेजेंड साबरी ब्रदर्स, मैं उसके लिए कहीं जाना, भागना, दौड़ना नहीं था. वो नेम की एक लाज कि यार जो भी कुछ मिलेगा तो एक अपने उससे मिलना चाहिए. अब वही ऊपर वाले ने किया, उसका थैंक्स, शुक्र. साबरी ब्रदर्स जो पाकिस्तान के हैं जी, उनसे आपका क्या रिश्ता है? एक्चुअली साबरी ब्रदर्स का जो मान्यता है वो पिराने कलियर, हरिद्वार के पास एक आस्थाना है, वहाँ से हम बावस्तगी रखते हैं वालिद मोहतरम. उसी सरनेम से गुलाम फरीद मकबूल साबरी, जो आज कवाली का जो ये भी जितना सूफी है, ये सब देन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की है, और उसी को एक रेगुलर बनाते हुए गुलाम फरीद फर्स्ट नेम है सूफी रदमे के जिन्होंने एक मकाम पाया. उसी को एक आइडियल वालिद मोहतरम उस्ताद इकबाल अफजाल साबरी ने
उनको एक आइडियल बनाया. अच्छा. और अपनी एक सीढ़ी आगाज़ की. तो उसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस हुआ. तो जैसे हुआ तो गुलाम फरीद मकबूल साबरी आए, तो डैडी और अंकल ने उनको सुना, उनसे शागिर्दी के लिए कि हम लोग ये करेंगे. फिर कुछ एक दिल्ली के अंदर शोज़ हुआ, उसमें कुछ बातें हुई, तो डैडी और अंकल थोड़ा सा चैलेंज हुआ वहाँ पे, कोई हमें हमारे सामने भी कोई गा सकता है. उस वक्त अंकल थोड़ा जोश में आ गए. हाँ, बोले कि मैं हूँ. अब जो परफॉर्मेंस हुआ तो बहुत अच्छा, तो उन्होंने वहाँ भी चैलेंज दिया खड़े होकर सब ऑल टुगेदर. कहने लगे गुलाम फरीद पाकिस्तान के, हम हैं साबरी ब्रदर्स, हिंदुस्तान के साबरी ब्रदर्स इकबाल अफजल साबरी. क्या बात है, क्या बात है. तो ये जब से आज से 40 इयर्स 40 साल हो चुके, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. Correct. तो जब की बात, उन्होंने बोलते थे कि इंडियन, तो 40 साल में तो कितनी कायनात पलट जाती हैं. और शबाब जी, आप वही लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं. बहुत खूबसूरत गाते हैं आप. जाते जाते आपसे बातें करके तो बहुत मज़ा आया, बहुत मीठी सुरीली आवाज़ है आपकी. जाते जाते एक और गाना हमारे दर्शकों के लिए. ज़रूर. मैं अपनी फिल्म मुझसे शादी करोगी बहुत सुरीला कंपोज किया साजिद भाई साहब ने. श्योर. रब्बा मेरे रब्बा, ये क्या हो गया है, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है. दिल अपना देना सजा हो गया है, तुझे प्यार करना खता हो गया है, खता हो गया है, तुझे इस तरह से प्यार करने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं. सुपर सुपर, थैंक यू.